तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। बस अब एनिमल मूवी का सेकंड सॉन्ग सतरंगा रिलीज हो चुका है और इस मूवी में जो गहराई देखने को मिल रही है, ये सॉन्ग हमें चीख चीख कर बता रहा है कि भाई साहब पूरी मूवी में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इतना रॉ इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो एज इट इज हमारे सामने चलता है, एज इट इज हमारी सोसाइटी में चलता है। बाई गॉड दिस सॉन्ग इज अमेजिंग। इसने पूरी कहानी, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इस 4 मिनट के 25 सेकंड के सॉन्ग ने एक अच्छा खासा हिंट दे दिया कि मूवी में हमें कितना कुछ देखने को मिलने वाला है। रणवीर कपूर एक बंदा जो एक बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। एज ए सन वो फेल होते नजर आएगा, एज ए हस्बैंड वो फेल होते नजर आएगा, उसके बाद 2 बच्चे भी हमें देखने को मिले। इट मीन्स ये कि एक बाप होते हुए भी वो फेल होते नजर आएगा। लेकिन इस सब के अलावा रणवीर कपूर के अंदर एक कहानी जो है अलग चल रही होगी। अनिल कपूर के हिसाब से, एक फादर के हिसाब से अपने बेटे के लिए अलग डेरिवेशंस है, अलग कहानी सेट करके बैठे होंगे। दूसरा, रश्मिका मंदाना एक वाइफ के डेरिवेशंस के हिसाब से देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रणवीर कपूर की अलग कहानी सेट होगी। एक फादर के हिसाब से, एक बच्चा अपने पिता के हिसाब से रणवीर कपूर को देखेगा तो उसके हिसाब से डेरिवेशंस अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ से चलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें जब आएंगी, इतना सारा प्रेशर, उसके बाद रणबीर कपूर का खुद की चॉइस वाला एक ऐसा कदम जो वो देखकर भी लग रहा है, जब उन्होंने बोला कि भाई साहब गीतांजलि में फिर शायद दोबारा लौट कर नहीं आऊँगा, इट मीन्स ये कि वो एक ऐसी डेंजर जोन में जाने वाला है, ऐसे डेंजर मिशन में जाने वाला है। और यस, एनिमल से हमें सीधा सीधा पता है कि इसमें एक्शन किस लेवल का मिलने वाला है। टीजर में और एक जो फर्स्ट ग्लिम्स निकला था उसमें हमने जो टॉक्सिसिटी ब्लडीनेस का वो जो वॉर सिचुएशन देखी थी, तो भाई साहब वहाँ से तो हमें सीधा पता लग रहा है ना कि ये कितनी खतरनाक जोन में जाने वाला है, किस हद तक ये लड़ाई होने वाली है। तो ब्रुटैलिटी की कोई हद नहीं होने वाली है। तो उस सब के बावजूद, एक तो इन सारी फैमिली सिचुएशन से वो डील करेगा, दूसरा एक अपने पर्सनल अफेयर से वो डील करेगा, जो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में फंसा पड़ा है जहां से उसे लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बाय गॉड एनिमल में देखने को मिलने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डंकी एक तरफ, टाइगर 3 एक तरफ, सालार एक तरफ, लेकिन जो एनिमल का कॉन्टेंट होने वाला है ना भाई, डेफिनेटली ये मूवी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी। टाइगर 3 से भी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी, डंकी से भी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी और सालार से भी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी। लेकिन इस कंटेंट की प्योरिटी, लेकिन इस कंटेंट की जो छाप छूटेगी ना दिल पे, वो कहीं से कहीं तक भुलाने वाली नहीं है, भूली जाने वाली नहीं है। वही चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें रिकॉल हो रही हैं जो कबीर सिंह में हमें देखने को मिला था। वो ब्रूटैलिटी, वो रस्टी रॉनेस, एकदम जो रियलिटी वाला, विदाउट अनफिल्टर्ड यार। क्योंकि बहुत सी मूवी में क्या होता है कि फ़िल्टर के साथ में बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन इसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं देखने को मिलेगा। सीधा सीधा जो एज चीज़ है वही सामने रखा जा रहा है। सतरंगा सॉन्ग से हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया कि इस मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है। एक्शन भरपूर मिलेगा यार। उसके बाद जो लव स्टोरी यहाँ से देखने को मिलने वाली है, ओ भाई, इस सॉन्ग से ही पता लग गया कि जो लव स्टोरी का पोटेंशियल होने वाला है वो कितना वजनी होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है। दूसरा, एक प्रिडिक्शन करते हैं, अगर लास्ट में रणवीर कपूर मर जाता है तो भाई यहाँ क्या क्या होने वाला है। तो बाय गॉड संदीप रेड्डी वांगा, मैं इसका विजन समझ पा रहा हूँ। ये उस सिचुएशन को इतना इमोशनल करने वाला है। एक फादर की तरफ से इमोशन निकलेगा, एक लवर की तरफ से, वाइफ की तरफ से इमोशन निकलेगा, एक माँ की तरफ से इमोशन निकलेगा, एक छोटे छोटे बच्चों की तरफ से इमोशन निकलेगा, और खुद रणवीर कपूर जो अपनी लाइफ में फेल होते आए हैं उसकी तरफ से इमोशन निकलेगा। मतलब इतना भयंकर इमोशन ये लाने वाला है संदीप रेड्डी वांगा, ये डायरेक्टर। मैं अभी से इसकी विजन में यार मज़ा आ रहा है। इसका विजन कितना सॉलिड क्लियर होगा और कितनी क्लीनलीनेस हमें सब चीज़ देखने को मिलेगी, बारीकी से ये एक एक चीज़ हमें फील कराएगा और फाड़ के मज़ा देने वाला है, फाड़ के। तो भाई साहब ये मूवी जितना भी बिजनेस करेगी, लेकिन भाई सुपर अमेजिंग ब्लॉकबस्टर तो जाने ही जाने वाली है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कितना वेट कर रहे हैं इस मूवी के लिए, जो भी आप कह रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।